सबसे पहले हम बात करेंगे एलटीए माइंडटेक लिमिटेड के बारे में। अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करें तो फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला था, लगभग 3.5% की तेजी। और नो डाउट ऐसे ही कि सिर्फ और सिर्फ एलटीए माइंडटेक में हमें इस प्रकार का रैली देखने को मिला था फ्राइडे के दिन, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे पिछले 2 दिन से पूरे बाजार में, साथ साथ जो खास करके जो आईटी स्टॉक में जो कि काफी दिनों से पिटा हुआ है, उनमें हमें एक बहुत ही कमाल के बाउंस बैक देखने को मिला। तो क्या ये बाउंस बैक, क्या ये रैली इस हफ्ते भी पूरे आईटी स्टॉक में बना रहेगा, तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और खास करके एलटीए माइंडटेक इसलिए फोकस पर रहेगा, उसके पीछे का रीजन है दोस्तों इसके टेक्निकल, जो कि आप देख सकते हो कि एक तो स्टॉक टॉप लेवल से बहुत ही जोरदार पिटा हुआ है। आज भी देखोगे तो 7400 के टॉप के, मतलब जो टॉप स्टॉक ने अचीव किया था, उसके बाद आज स्टॉक लगभग 5000 के भी नीचे, यानी कि बहुत ही ज्यादा डाउन है। 35 से लेकर 40% आज भी आपको डाउन देखने को मिल जाएगा, वो भी ऐसे बड़ी कंपनी में। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एकदम अपना ब्रेकआउट के करीब है 5000 को। अगर इसने 5000 को कल के दिन ब्रेकआउट दे दिया और क्लोजिंग भी दे दिया, तो शायद से यहाँ से आपको और भी 500-1000 पॉइंट के मूव इजीली देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब जब ये 5000 को ब्रेकआउट देता है तो सीधा 5500 और उसके बाद शायद से आपको 6 से लेकर 6500 तक भी रैली आपको देखने को मिल सकता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि बहुत टाइम बाद जब इसने 5000 को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ से और भी 1500 पॉइंट की हमें एक्स्ट्रा रैली देखने को मिला था। तो क्या इस बार भी, क्या ये कल के दिन क्या 5000 को ब्रेकआउट दे पाएगा और उसके बाद नेक्स्ट 5500 से लेकर 6500 तक रैली शॉर्ट टाइम में दिखा पाएगा? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक आज भी बहुत डाउन है टॉप लेवल से। आप देख भी सकते हो किस प्रकार से मैनेजमेंट के नेगेटिव गाइडेंस के चलते क्वार्टर 3 के बाद जो मैनेजमेंट ने नेगेटिव गाइडेंस दिया, उसके बाद जो स्टॉक एक तरफा गिरा, अभी तक बाउंस बैक आए नहीं। और पिछले 2-3 मंथ से अपने आप को वो कंसोलिडेट किया और अभी बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से एक अच्छे खासे हमें बाउंस बैक, फिर अच्छे खासे हमें स्टॉक में बाइंग देखने को मिला। तो अगर यही बाइंग कंटिन्यू रखा तो सीधा आपको जैसे 5000 को ब्रेकआउट दे दिया, इजी आपको और 500 पॉइंट की रैली, और उसी के साथ साथ अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया उसके बाद 6 नहीं सीधा आपको 6500 तक की भी रैली आपको देखने को मिल सकता है। और इस स्टॉक का आपको नेचर भी बताया कि स्टॉक, अगर आप इसकी कंपनी के मैक्सिमम चार्ट को देखोगे तो ये स्टॉक चलती भी इसी प्रकार के है। मतलब जब शुरुआत हुआ तो 1.5 साल 2016 से लेकर 2018 तक स्टॉक इसी रेंज में था, पर जैसे एक ब्रेकआउट दिया सीधा 150-200% की रैली, फिर अगेन 1.5 साल कंसोलिडेशन में, फिर अगेन कोविड है तो स्टॉक ने सीधा 300-400% की रैली दिखाई, उसके बाद स्टॉक गिरा। अभी टॉप लेवल से गिरावट से लेके अभी तक, मतलब गिरावट से लेके कंसोलिडेशन तक स्टॉक लगभग 2.5 साल से 0 प्रॉफिट बना के दिया। और जिन्होंने टॉप बाय किया तो 2.5 साल से वो तो 30-40% के लॉस में बैठे हैं, वो भी ऐसे बड़े साइज की कंपनी में। तो आपको बताया कि कंसोलिडेशन में देखा जाए तो 2.5 साल से स्टॉक कंसोलिडेशन में, तो शायद से अभी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन का टाइम हो चुका है। अब इसमें एक बहुत बड़ा बाउंस बैक आ सकता, हो सकता है ये बाउंस बैक एक तरफा आपको ये ऑल टाइम हाई यानी कि 7 से लेकर 8000 के करीब भी देखने को मिल सकता। तो जिसके पास भी है एटलीस्ट लॉस में तो निकलने की जरूरत है ही, साथ साथ अगर किसी ने शॉर्ट टाइम में बाय किया होगा तो मुझे लगता है अगर आप और भी बने रहोगे तो शॉर्ट टाइम का अंदर स्टॉक आपको यहाँ से और भी 500-1500 के पॉइंट बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये दिखा सकता है। हाँ, किसी के पास है नहीं तो उनके लिए अच्छी मौका है। अगर मान लो कल के दिन 5000 को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन दिखाता है, तब भी टॉप लेवल से आपको 35% तक डाउन नजर आएगा। तो 5000 के सपोर्ट टेबल पे इस 35-40% के डिस्काउंट में ऐसे बड़े साइज की कंपनी में जरूर आप शॉर्ट टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम के साथ साथ शॉर्ट टाइम के बारे में भी आप कंसिडर कर सकते हो। देन अगला स्टॉक की बात करें तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड। सो बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये भी स्टॉक ने फ्राइडे के दिन एक बहुत ही कमाल की रैली दिखाई। रफली देखोगे तो लगभग 3-3.5% तेजी, क्योंकि शुरुआत में ये तेजी हमें लगभग 5% तक देखने को मिला था। एक टाइम पे स्टॉक ने तो सीधा 7300 के लेवल को भी उसने टच किया था, उसके बाद टॉप लेवल से हमें थोड़े बहुत गिरावट देखने को मिला। बाकी पिछले 5 दिन की बात करें रफली देखोगे तो लगभग 8% की रैली, बट बॉटम से देखोगे तो आपको एक बहुत ही कमाल के बाउंस पैक देखने को मिल जाएगा। सो बजाज फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो पिछले दो से तीन दिन से जो स्टॉक में इस प्रकार के बाउंस पैक आ रहे हैं, उसके पीछे का आपको बताया कि 2 मेन रीजन है। एक तो पूरे बाजार एक कमाल के बाउंस पैक दिखा रहे, दूसरा इनके सब्सिडियरी का आईपीओ का आना। तो देख सकते हो कि सेबी के साइड से उनको अप्रूवल मिल चुका है कि कंपनी मतलब बाजार में अपना आईपीओ लाने जा रहे हैं, और उसके थ्रू कंपनी 7000 करोड़ का वो फंड रेज करने जा रहे हैं, जिसके चलते आपको बताइए जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये 100% सब्सिडियरी कंपनी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, ये 100% सब्सिडियरी कंपनी है बजाज फाइनेंस के, जिसके चलते हमें पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिला। तो क्या ये मोमेंटम क्या इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगा, और ये अब ये स्टॉक क्या एक ऑल टाइम ब्रेकआउट दे पाएगा?
क्योंकि अगर आप इसके टेक्निकल को देखोगे तो काफी टाइम से ये भी लगभग 2.5 साल से बहुत लंबे कंसोलिडेशन में, और बहुत आपको इसमें अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक जब जब 8,000 पे जाता है हर्डल फेस करता है, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट, अगेन ट्राई करता है, अगेन एक बहुत बड़ी गिरावट, तो काफी टाइम से स्टॉक इसी प्रकार के परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और दोबारा 6,500 के लेवल से बाउंस बैक करके फ्राइडे के दिन इसने 7,000 को ब्रेक भी किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया। अब दोबारा ये अभी 7,500 यानी कि 7,500 के लेवल को ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, 7,500 के लेवल को ब्रेकआउट दे दिया तो सीधा आपको जो इसके 8,200 के लेवल है उसको फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। ब्रेकआउट दे नहीं पाते तो फिर से स्टॉक में गिरावट होगा, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो सीधा आपको 9 से लेकर 10,000 तक भी आपको शॉर्ट टाइम में रैली देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने शॉर्ट टाइम पे बाय किया जब मैंने कवर किया 6,500 पे, अच्छी बात है। जिन्होंने बाइंग किया भी नहीं तो अगर आप चाहो तो 7,000 के सपोर्ट लेवल पे चाहो तो आप अभी भी एक स्टॉक में लगा के अपना शुरुआत करके चल सकते हो। और आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो, क्योंकि आज भी ये स्टॉक टॉप लेवल से लगभग 12 से लेकर 13% डाउन है, और बजाज फाइनेंस जैसे इतने बड़ी कंपनी अगर टॉप से 12-13% डाउन होता है तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हिसाब से एक स्टॉक में लगाने के लिए वो काफी होते हैं। अगर आप चाहो अभी भी आप इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो। कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, कंपनी बहुत सॉलिड है, बट जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ जो ब्लू चिप कंपनी होते हैं वो इसी प्रकार से परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री या किसी भी ब्लू चिप कंपनियों को उठा के देख लो और मैक्सिमम 5 साल के ग्राफ निकाल के देखो या 10 साल के या 15 साल के, ऐसा रहेगा जब वो कंपनी बड़े बन जाते हैं उसके बाद उनके परफॉर्मेंस जो रहता है 2-3 साल कभी कभी 4-4 साल वो स्टॉक आपको एक ही रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिलेगा। बट उसके बाद जैसे एक टाइम ब्रेकआउट ऐसा आएगा जो ये 8,000 के लेवल है, क्योंकि अभी तक इसको ब्रेकआउट दे नहीं पा रहे, इसको इजीली ब्रेकआउट देखिए 8,000 के स्टॉक आपको 12-16,000 भी वो भी एक ही झटके में आपको जाते हुए देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी अच्छी है, बस उनका आपको नेचर पता होना चाहिए और कंपनी के साइज आपको पता होना चाहिए। अच्छी कंपनी, किसी ने शॉर्ट टाइम के लिए बाय किया और भी अगर बने रहोगे तो शायद से ये प्रॉफिट आपको और भी इंक्रीज होते आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी के पास है नहीं तो चाहो तो शॉर्ट मतलब लॉन्ग टाइम के साथ साथ शॉर्ट टाइम के लिए भी आप इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो। देन अगला स्टॉक की बात करें तो बीएसई लिमिटेड। सो बीएसई लिमिटेड की बात करें तो इसमें देखा जाए बाजार में इतने अच्छे खासे रैली होने के बाद भी इसके साइड से कुछ खास पार्टिसिपेंट है नहीं। देख सकते हो फ्राइडे के दिन भी इतने अच्छे रैली होने के बाद भी माइनस मतलब 0.1% के नेगेटिव परफॉर्मेंस, बाकी पिछले 5 दिनों की बात करें तो लगभग 2% डाउन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज के इसके कंसोलिडेशन, अगर आप इसके कंसोलिडेशन को देखोगे तो पिछले 6 मंथ से बहुत ही बड़े लंबे कंसोलिडेशन है। हाँ, टॉप लेवल से लगभग आपको 17% गिरावट जरूर देखने को मिलेगा, बट जिस प्रकार के इसने प्रॉफिट बना के दिया उसके कंपेयर में ये 17-18% की गिरावट तो मतलब बहुत ही कम गिरावट है। तो क्या अब हम ये मान लें कि स्टॉक अभी ये जो कंसोलिडेशन स्टॉक दिखा रहे हैं अब इसमें एक ब्रेक डाउन होगा और स्टॉक फिर से एक बहुत ही हेल्दी गिरावट दिखाएगा? क्योंकि अगर हम इसके नेचर की बात करें तो आप इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस को देख सकते हो। 2017 में इसके लिस्टिंग हुआ उसके बाद एक तरफा स्टॉक नीचे गए और लगभग स्टॉक ने 70-80% के बहुत बड़े इसमें गिरावट दिखा था। और उसके बाद कोविड के बाद पूरे बाजार में जोरदार तरीके से लोग जुड़ते गए और बाजार में कमाल के बुल रैली दिखाए तो इन स्टॉक ने भी 700-800% के धमाकेदार तेजी दिखाए। और उसके बाद इतने कमाल की रैली बाद अगेन एक बहुत जोरदार गिरावट, ये तो रफली दिखा रहा 54%, प्रॉपर देखोगे तो 62% गिरा था क्योंकि मैं बहुत बार स्टॉक को कवर किया था। और उसके बाद अगेन इस बॉटम लेवल स्टॉक ने लगभग 650-700% की रैली दिखाई, 400 के स्टॉक सीधा 3200 तक 700-800% की रैली। भाई जिसने भी बाय किया होगा जब मैंने बहुत बार कवर किया तो उनके लिए उनके पास तो आज बहुत ही कमाल की प्रॉफिट है, किसी के पास 400, किसी के पास 500, किसी के पास 600-700% की प्रॉफिट। तो जो स्टॉक का नेचर है कि एक कमाल की गिरावट फिर एक कमाल की रैली फिर एक कमाल की गिरावट फिर एक कमाल की रैली, अब इतने तेजी के दिखाने के बाद तो क्या अब ये स्टॉक फिर से एक बहुत बड़े हेल्दी गिरावट दिखाएगा? वैसे तो देखा जाए जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अभी स्टॉक से 17% गिरा हुआ है, बट कुछ ब्रोकरेज हाउस का ये भी मानना है कि ये स्टॉक अपने नेचर के हिसाब से चलते हैं और ये स्टॉक में इस बार जो आगे परफॉर्मेंस रहने वाला है वो नेचर के हिसाब से हो सकता है। यानी कि अभी कितना गिरा टॉप से 17%, तो और भी एक्स्ट्रा इस लेवल से आपको और भी 15-16% तक की गिरावट देखने को मिल सकता है। और ये स्टॉक 2250 यहाँ तक कि अगर बाजार में माहौल अगर खराब हो जाता है तो 2000 तक भी स्टॉक आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए कोई फ्रेज बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो तो फ्रेज बाइंग करना गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप बात मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर बाय करते जाओगे तो सबसे बेस्ट है। मतलब एक ही बार में किसी भी स्टॉक को किसी भी लेवल पे
पूरा पैसा तो बिल्कुल भी मत लगाओ। अगर आपको जाना है, अभी 17% गिरावट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा क्योंकि मार्केट और भी अच्छा करेगा, तो मार्केट अच्छा करेगा तो मार्केट से जुड़ा हुआ ये कंपनी है, ये भी कंपनी अच्छे करेंगे, तो 17% गिरावट में एक स्टॉक में लगा दो, फिर दूसरा स्टॉक में 2250 तक आ जाए तो और एक स्टॉक में लगा दो, 2000 पे आ जाए तो और एक स्टॉक में लगा दो। हमेशा स्टॉक में लगाओगे तो हर गिरावट का आप अच्छे खासे फायदा उठा पाओगे, और जो आपके एवरेज प्राइस रहेगा वो आपके जो लास्ट जो बाइंग प्राइस रहेगा उसी के करीब आपको देखने को मिलेगा। बाकी गिरावट की बात करें, गिरावट होने के लिए आगे हो भी सकता है, क्योंकि जब जब बाजार गिरेगा तो ये स्टॉक जो बीच में गिरा था 30-40% 70% इतना तो नहीं, बट एटलीस्ट 30 से लेकर 35 या तक की 40% गिरावट भी इजिली स्टॉक दिखा सकता है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ और उसी हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट को थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आगे स्टॉक में अगर इस प्रकार की गिरावट हो भी तो उस गिरावट का फायदा उठाने के लिए आपके पास अच्छे खासे कैपिटल होना चाहिए। बाकी कंपनी दमदार है, जैसे गिरेगा यहाँ पे गिरा था तो वैसे आपको बाउंस बैक भी लॉन्ग टाइम में देखने को मिल जाएगा। देन आखिरी स्टॉक की बात करें तो रोसिल डिकोर लिमिटेड के बारे में, अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करें तो फ्राइडे के दिन लगभग हमें 202% की तेजी देखने को मिला था। सो इस कंपनी की बात करिए, कंपनी और भी पॉपुलर इसलिए क्योंकि हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:10 का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते स्टॉक में हमें और भी अच्छे खासे हलचले देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इतने में कुछ खास नहीं है, बट किसी के पास अगर है उनके लिए ये जो स्प्लिट के अनाउंसमेंट है वो तो पॉजिटिव पॉइंट तो जरूर है, बट किसी के पास है नहीं, बोनस स्प्लिट के चलते किसी भी स्टॉक में जाने की जरूरत है नहीं, अच्छे कंपनी में बने रहोगे तो इस प्रकार के बोनस स्प्लिट आपको अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल